हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 49,500 वार्षिक भर्ती से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, अगर आपका जो सिलेक्शन है इस बार नहीं हुआ, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ, जैसे कि आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कि क्या सेकेंड कट ऑफ लिस्ट आएगी, क्या सेकेंड मेरिट आएगी या फिर नहीं आएगी, क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि 2.5 गुना स्टूडेंट्स को डीवी पीएचटी के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बुलाया गया है। तो अब बहुत सारे हमारे मेल एंड फीमेल ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बोल रहे थे कि क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, क्या हमको मौका मिलेगा और जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा कि लो जाएगा। तो हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको जानना है तो इस भर्ती प्रक्रिया के पूरे प्रोसेस के बारे में। तो लेट्स सी। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपके जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो पूरा आने के चांसेस बन रहे हैं, ऐसा क्यों हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2.5 गुना स्टूडेंट्स बुलाए गए 49,568 की भर्ती में। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि 41,520 वाली जो आपकी वैकेंसी थी, ठीक है, उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें भाग लिए हैं। मतलब कि जब ये फॉर्म आया था, ठीक है, तब 41,520 की जो प्रक्रिया थी वो अभी पूरी नहीं हुआ था, जिसके कारण जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा था। और अब आप अगर देख रहे होंगे तो डीबी पीएचटी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है अब्सेंट हो रहे हैं। अगर हम गोरखपुर या फिर बरेली की बात करें, कहीं भी आप डीबी पीएचटी पुलिस लाइन सेंटर पर देखो तो आपको बहुत ज़्यादा लड़के जो है अब्सेंट मिल रहे हैं, है ना। अगर आपका डीबी पीएचटी हुआ होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो 41,520 की जो वैकेंसी थी, जो भी स्टूडेंट्स थे उनका तो अभी मान लो पीएससी की ज्वाइनिंग होने वाली है, और सिविल में तो वो तो छोड़ के आएंगे नहीं अपनी भर्ती, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत से वो भर्ती जो प्रक्रिया है वो पूरी की है, तो वो तो इसमें अब आने वाले हैं नहीं। तो इस वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्सेंट रह रहे हैं डीबी पीएचटी में। लगभग आपके अगर हम कम से कम बात करें तो 30,000 से 35,000 तो स्टूडेंट जरूर एग्जाम में 49,568 में एग्जाम जरूर क्लियर किए होंगे। अगर आप भी सोचोगे तो कहोगे हाँ जरूर, क्यों नहीं, है ना। तो अब वो आने वाले हैं नहीं, तो आप अब यहाँ से सोच लो, आपको 2.5 गुना स्टूडेंट्स बुलाए गए तो आपके तो 30,000 से 35,000 तो स्टूडेंट्स ऐसे ही निकल जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि वो मतलब बड़े लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जो भी ये फॉर्म आता है बस अपनी नॉलेज को मतलब जानने के लिए फॉर्म फिलअप कर देते हैं, परीक्षा भी दे देते हैं कि हमारी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, है ना। और एक और रीज़न है जो कि स्टूडेंट जो है डीबी पीएचटी से बाहर हो रहे हैं, वो है बहुत सारे स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ना होने के बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। तो हमने उनको प्रॉब्लम्स भी सॉल्विंग बताया था कि आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आप क्या करना चाहिए डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डीबी पीएचटी से इसीलिए बाहर कर दिया जा रहा है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी में डाल दे रहे हैं क्योंकि उनके डोमिसाइल एंड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सही डेट का नहीं है। तो बहुत सारे कारण है, बहुत सारे स्टूडेंट अनफिट है, हाइट या फिर चेस्ट, या फिर बहुत सारी लड़कियां वजन में भी बाहर हुई हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कम से कम आपका जो वजन है वो 40 kg होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये तो कन्फर्म है कि फीमेल की जो है मेरिट लिस्ट आएगी। जैसे कि आपको पता होगा 41,520 में फीमेल की 5 से 6 बार मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, क्योंकि वो क्या हो रहा था कि आपको फिजिकल के लिए टाइम तो मिला नहीं, आपका डीबी पीएचटी हुआ 2 दिन बाद आपकी दौड़ करा दी गई, इसी वजह से जो है 5-6 बार जो है लिस्ट जारी की गई। लेकिन आपको तो इस बारी 1 मंथ का टाइम भी मिला है कि आप जो है अपनी तैयारी कर सको रनिंग की और आप फिजिकल में बाहर ना हो, लेकिन उसको देखते हुए फिर भी हम बोल रहे हैं कि आपका जो है फीमेल की सेकेंड मेरिट लिस्ट जरूर आएगी। और रही बात मेल की, तो आपके भी जो है आने के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि हमने देखा है डीवी पीएचटी, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस भी किया था, तो आप चिंता मत करो,
ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अगर आप मान लो इन भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आपको बता दें कि जल्द ही आपकी जो है 52,000 प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो आपको अभी से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है और जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपका आउट करा जाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो लग जाइए आज ही से अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल बनना है तो पूरे जोश एंड हवास के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम चलिए अभी आपको दिखा देते हैं। तो जैसे देख सकते हो कि अभी आपके सामने दिख रहा होगा कि पुलिस भर्ती में 57 अभ्यर्थी हुए बाहर, ऐसा ये आपका डेली का है। और ये एक सेंटर का नहीं है, ये आपके जहाँ भी सेंटर आपके डेबी पीएचटी के लिए बुलाया गया है वहाँ हर मतलब हर जगह ऐसा ही चल रहा है। पुलिस लाइन में जैसे पुलिस लाइन में चल रही और सिपाही भर्ती 57 अभ्यर्थी बाहर हो गए। एक माह तक चलने वाली भर्ती प्रक्रिया में शुक्रवार को 521 लड़कों में से सिर्फ 347 ने प्रतिभाग लिया। अब देखो 521 लड़कों को बुलाया गया और उसमें भाग किसने कितने लिए, 347 लड़के ओनली। अभी एक हम पुलिस लाइन के एक जगह की बात कर रहे हैं, एक सेंटर की। अब बताओ हर जगह आपकी जो सेंटर है और हर जगह की यही बात है। और देखिए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ ही अन्य प्रशिक्षण किए गए जिसमें से प्रतिभागियों के हाइट वेट और फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं किए। यहाँ एक बात और आ रही है फिंगरप्रिंट्स की। तो फ्रेंड्स हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया फिंगरप्रिंट्स से रिलेटेड, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी और जो भी आपके सोल्यूशन है आपने जरूर वो कर लिया होगा ताकि आप इसमें बाहर ना हो, ठीक है। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था कि आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और जब आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें आपका जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था और जैसे ही आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन पाना है और उससे रिलेटेड कोई भी सूचना अगर ऑफिशियली आपको जानना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अभी। और हाँ अगर आपके जो भी फ्रेंड मित्र हैं उनको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।